हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। और गाइस मैं भी अच्छा हूँ, और मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री कृष्ण। गाइस सुबह से ही शीतू की तबीयत खराब हो रही है, यानी कल से ही तबीयत खराब है, लेकिन ना अभी भी आराम नहीं पड़ा। मैंने एनएसी प्लस दी थी, अब मैं शीतू को डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, तो कितनी ढीली हो रही है। और घर में लेडीज का जो बीमार होना ना, इतना भारी पड़ता है, पूरा घर फैल जाता है, सारा कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। यहाँ तक कि आरोप भी तबीयत खराब थी, उल्टा ठीक हुआ से स्कूल भेजना था, वो भी स्किप हो गया। अभी गाइस चीतर को स्कूल सिखाने की बात होती है ना, तभी इसकी तबीयत खराब हो रही है। और पता नहीं क्या पनौती लगी पड़ी, मैं सिखा ही नहीं पा रहा। उससे पहले सिखाने वाला था तो आरोप की तबीयत खराब हो गई, फिर कोई आ नहीं रहा बुलाने पर। अब कोई आ रहा है तो फिर और कोई दिक्कत, फिर कोई आज ही खुद बीमार पड़ी चीतर, बहुत तबीयत खराब हो रही है चीतर की, बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन, जैसे कहते ना तबीयत हाई लेवल पर खराब है। और दवाई लेके आ रहा हूँ चीतर के लिए, दवाई इसी प्लस खा रही थी, उससे आराम पड़ रहा था थोड़ा बहुत, फिर बुखार हो रहा था। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा शीतू को, ताकि ठीक हो जाए। और गाइस मशीन भी ख़राब हो गई है, मशीन में कौन सा पार्ट खराब हुआ था? ये वाला पार्ट खराब हुआ है, देखो गाइस ये मशीन के अंदर ये वाला पार्ट खराब हो गया, देखो ना भाई साहब आधा लोड। गाइस ये होता है गेयर बक्सा वॉशिंग मशीन का, और भाई साहब बता रहे ज़्यादा लोड होता है ना मशीन के अंदर, तो ये ना ख़राब हो जाता है, उस वजह से ये ख़राब हो गया गाइस। पार्ट्स लेके चलते हैं यहाँ से दोबारा घर की ओर। भाई साहब स्पेयर पार्ट लेके घर पे आ गए, और भाई साहब ने अपना काम करने में लग गए। देखो और ये, अरे मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये रहा देखो, ये भाई साहब ठीक करने में लग गए। तो गाइस और मैं अपनी सॉरी गाइस मैं सब्जी आते के साथ एक काम और मिलेगा, सीधा सब्जी ले और सब्जी भी ले सकता हूँ। बस खाना बन चुका, खाने से बहुत तेज भूख लग रही थी आज ना, शीतल की तबीयत खराब थी, तो थोड़ा बहुत मैं घर का अभी काम कर रहा था, तो अब जाके शीतल को भी थोड़ा आराम आया, तो उसने ना मेरे लिए रोटी सब्जी भिंडी की रोटी और भिंडी की सब्जी और रोटी दोनों बना दिए। तो बीमार हालत में भी तो उसको थैंक यू यार दिल से। वाइफ ऐसी होती हैं कि थोड़ा सा रिकवर हुई तो सोचते हैं कि सब भूखे उनको खाना खिला के दे दो, तो मतलब होता है लेडीज़ का, मतलब तो अच्छी बात है, इसलिए मैं वैसा शीतल को थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू शीतू। तो गाइस खाना वेरी टेस्टी है, ऐसा कितना मतलब मैं आप सोच सकते, मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, बहुत टेस्टी रियल में, बहुत अच्छा खाना बनाया, मज़ा आ गया खाना खाने। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे थे मेरी दवाई लेने के लिए, बिकॉज जो ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, काम भी सारा रवि जी को ही करना पड़ा आज, तो चलिए निकलते हैं फिर जल्दी से दवाई लेने के लिए बिना देरी करे। तो गाइस शीतल की दवाई लेने के लिए मैं यहाँ आया था, कितनी भीड़ हो रही है, और ये भीड़ टूट ही नहीं रही, क्योंकि ना सीजन ही चल रहा है बीमारी वाला, और ये खत्म ही नहीं हो रही भीड़। तो मैं घर पे जा रहा हूँ और एक डेढ़ घंटे बाद दोबारा आऊँ, ताकि भीड़ कम हो जाए, फिर आएंगे तो अपना मेरे घर के पास में ही है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ डीबीसी, बच्चों को लेके मेरे बच्चे, मैं इनके ना आ रहा हूँ, मतलब इनका ना इतने दिन से मैं लेके नहीं आया, मैंने खुश रहेंगे घर घर पे। आरो का स्कूल जाएगा बेटा, तभी अगली बार तभी लेके आऊंगा, तेरे को बीबीसी का स्कूल जाएगा तो दो का दुकान में चल गया, पहले की तरह हो गया। तो क्या चाहिए बताओ, क्या लोगे? जो आप इसमें देखो ना, आप देख लो, आप जो ले लो बनाओ, क्या बना रहे थे? हम बैग में बना रहे थे, देखो खेलेंगे, देखते गाइस कौन जीतते, बी एल डबल एल बॉल। चलो बनाओ, मैं देखती हूँ क्या बना रहे हो आप, ठीक है? मैं मंकों को देती जा रहा हूँ, मंकों बना रहा, फिर हम अच्छे से गेम खेलेंगे। मैंने दो निकाल ली थी, मंकों ने एक, इतनी अच्छी गेम खेली है। चलो दोबारा करो, मैं भी देखूंगी अब। और फिर मैंने सीधा ये निकाल, हमारे ऑडियंस को भी दिखाओ आप कैसे खेलोगे। ऑडियंस को ये दिखाओ, ऑडियंस वाला बस तीन बची। चलो करो, वो गाइस ये टम्बलिंग टम्बलिंग खेल रहे हैं पूरा आप देख रहे हैं, टम्बलिंग के साथ में लग गया, सही है बच्चों के टाइम पास के लिए बढ़िया है। मैगी ना भाई गरम गरम है, फूंक मार के खाना, झगड़ा मत करना। अच्छा ये आप आपको लगा, मंकू निकाल लेगा, मंकू मुझे पता जीत जाएगा इसमें, मंकू नहीं आ रहा, मंकू चैंप है इसमें। नहीं, ये तो ये निकालना, अब तू मंकू को सिखा दे, ये देख
नहीं मगो ये वाला मत निकालो मगो नहीं आरु 21 निकालो 21 तो भाई सारा काम 21 ये रहा हाँ नीचे मैं पे तो अभी तो आप आज मैं लूँ मैं मैच दोगे तो बहुत ही वाले उसके बाद में मंगो फेल हो गया मैं बोल रही थी 21 निकालो तो गाइस आरु मंगू की तो मैगी आ गई है और किस तरह से बिखेर के खाते हैं देखो इनकी हालत देखो कैसे खाते हैं गाइस हम खाते हैं जैसे खाते हैं मुझे वैसे कैसे खाते हो हम फूंक लेते हैं बदतमीजों की तरह चू करते हैं और हमारी यहाँ टीवी आ गई मेरी कूलर वाली टी और रवि जी को पसंद है ताज में तो चलो टी एंजॉय करते हैं टी पीते हैं तो गाइस आ गए हमारा पनीर रैप और यहाँ तो पनीर रैप खा लेते जल्दी से तो आरु मंकू ये कौन सी गेम है ये पांच बार आरु मंकू कौन सी गेम है इस गेम का नाम पता है खेलने में इतना व्यस्त हो रहे हैं मंकू सुन तो लो आने दूंगा अंदर भाई ऐसे नहीं चीटिंग कर रहा है मेरी बच्ची आ रही है ऐसे कर रहा हां तो वाइफ पर तो तू दे कौन सी गेम है मंकू ये मेरे को तो चीटिंग कर रहा है वो मेरे को तो नाम भी नहीं पता इस गेम का कुल्लड़ कुल्लड़ अच्छा भाई चलो खेलो ना खेलो खेलो खेल ले लो कोल्ड कॉफी गाइस चाय तो पी ली है मंकू ने मंकू और आरू ने मैगी भी खा ली है तो अब निकलते हैं जल्दी से घर की ओर नई दवाई लेने के लिए बिकॉज हमने जो है ना पर्ची कटवा दी थी और डॉक्टर की दुकान पे जो है ना क्लिनिक में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो वेट करने के लिए हम लोग रुक गए थे तो अब लोग हम निकलते हैं जल्दी से बिना देरी करे क्योंकि अब हमारा नंबर भी आ गया होगा तो फिर अब जल्दी से निकलते हैं हम घर पर आ चुके हैं और हमने दवाई ले ली है क्योंकि भीड़ बहुत थी तो शूट भी नहीं कर पाए वहाँ पर आपको दिखाया था मैंने कितनी भीड़ थी और अलाउड भी नहीं था शूट करना तो गाइस अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी तो उसके लिए दिल से धन्यवाद वीडियो को लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जब तक के लिए बाय खुश रहिए गाइस